टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सेंट्रल अरेकानट एंड कोका मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव यानी कि कैंपको, कैंपको ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि देश में सुपारी के आयात को रोका जाए। कैंपको ने शिकायत की है कि ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू को धता बताकर म्यांमार से बंगाल और असम के रास्ते सुपारी की देश में तस्करी हो रही है। कैंपको ने नागपुर और कानपुर क्षेत्र में 250 से 260 रुपए किलो बिक रही सुपारी को लेकर शिकायत की है। दरअसल सुपारी पर 108% आयात शुल्क लगता है, साथ ही टैरिफ वैल्यू भी 251 रुपए किलो निर्धारित है। कैंप को स्थानीय किसानों का हवाला देकर आयात रोकने की मांग कर रहा है। हालांकि यह संभव नहीं है क्योंकि देश के पान मसाला उद्योग आयातित माल के भरोसे ही चल रहे हैं। आयात के बगैर देश की पूर्ति करना संभव नहीं है। सरकार को ड्यूटी के रूप में आयात से अच्छी कमाई होती है। पान मसाला उद्योग भी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सेक्टर है। ऐसे में आयात पर प्रतिबंध लगने की संभावना नहीं दिख रही है। गिल्सबोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।